आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, चित्र में दर्शाए गए विभवांतर का वर्ग माध्य मूल ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम हम इसमें वर्ग माध्य ज्ञात करते हैं, फिर उसका मूल ज्ञात कर लेंगे। तो वर्ग माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र है वो वर्ग करके माध्य कर देंगे। तो माध्य का जो संकेत होता है वो ये होता है और वर्ग का ये, तो वर्ग माध्य। तो ऊपर समाकलन आएगा, समाकलन, और वी स्क्वायर डी टी, वी स्क्वायर डी टी, और यहां पर समाकलन डी टी आ जाएगा। तो ये तो सूत्र हो गया। और अगर v के भिन्न भिन्न मान हैं तो उसमें फिर अलग अलग पदों का हम समाकलन कर देंगे। और ये पूरी प्रक्रिया हम एक आवर्त काल के लिए लेंगे। और यहाँ पर एक आवर्त काल की बात करें, t तक बात करें, तो विभव का मान v नॉट है और t बाय टू तक v नॉट है और उसके बाद का जीरो है। तो फिर t बाय टू से t तक तो हमें लेना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका मान जीरो है। तो हमें तो सिर्फ t बाई टू तक ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा जीरो से लेकर t बाई टू तक आ जाएगा, मगर नीचे पूरा आवर्तकाल आएगा, नीचे पूरा टाइम आता है। तो पूरा आवर्तकाल t के बराबर हो गया। तो अब इसको आगे हल कर लेंगे। तो आगे हो जाएगा v स्क्वायर बराबर, इसका जो मान है v का मान यहाँ पर नियत है, वी का मान नियत है, तो नियत मान यहीं पर रख देते हैं, वी नॉट नियत मान है। और ये नियत मान समाकलन के जो संकेत है उसके बाहर आ जाएगा। तो समाकलन के संकेत से बाहर आने के बाद फिर यहाँ पर क्या बचेगा, जीरो से लेकर टी बटे दो और यहाँ पर डी टी बचेगा जीरो से, और नीचे जो है जीरो से डी टी, और तो यहाँ पे नीचे तो टी बटेगा बचेगा। तो अगले पद की बात करते हैं, ये आ जाएगा v स्क्वायर, तो यहाँ पर v नॉट स्क्वायर बचेगा और गुणे बचेगा t बटे दो, इसका dt का समाकलन t हो जाएगा फिर t बटे दो और बटे t। तो यहाँ से t और t निरस्त हो जाएगा। तो ये विभव का वर्ग माध्य ज्ञात कर लिया। अब हम इसका मूल ज्ञात करेंगे, यानी ये v rms, RMS इसका मतलब स्क्वायर किया, मीन किया, रूट निकाल लिया। तो स्क्वायर और मीन तो हमने पहले ही कर रखा, बस अंडर रूट निकालना है। तो ये अंडर रूट आ जाएगा v स्क्वायर का विभव के स्क्वायर का, यानी विभव के वर्ग के मीन का वर्गमूल निकाल लेंगे। तो ये आएगा v नॉट स्क्वायर बटे टू और उसका अंडर रूट। तो इसका मतलब जो VRMS का मान आएगा, VRMS का मान आएगा वो हो जाएगा v0 बटे। तो यही इस प्रश्न का उत्तर है, v0 बटे। कक्षा छठी से बारहवीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।